तो टेस्ट सीरीज पोर्टल आपका ऑफलाइन पैनल से नहीं जाना आपको, पहली चीज देखो, अभी तो ये ऑफलाइन के लिए है, अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंबाइंड होके टेस्ट होंगे। कुछ दिनों बाद हम इसे, कुछ दिनों का मतलब हो सकता है अगले मंडे या उसके अगले मंडे, ऑनलाइन वालों को भी इस टेस्ट के साथ हम मर्ज कर देंगे, तो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी और फिर आप लोगों को आइडिया लगने लग जाएगा। सेम टाइम पे ही वो भी आपके साथ देंगे। तो यहाँ पे आपको ये वाले पैनल पे जाना है, अपने ऑफलाइन पैनल पे नहीं जाना, ठीक है ना, ऑफलाइन पे जाना। ऑनलाइन वालों के लिए है कि वो ऑनलाइन से ही देंगे। ये टेस्ट सीरीज का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, मेरे साथ इसको क्लिक करते जाना है आपको। टेस्ट मैं अभी जस्ट पब्लिश करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा वैसे टेस्ट आपका आ जाएगा। आप लोग शुरू नहीं करेंगे, पहले इसको समझेंगे पूरा, ठीक है। तो यहाँ से हम टेस्ट सीरीज पे जाएंगे। टेस्ट सीरीज पे जाने के लिए आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, जो कि आप एक बार डाल चुके होंगे तो हमेशा के लिए आपका रहेगा, ये नहीं रहेगा कि आपका कभी भी प्रॉब्लम आएगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास डेटा होना चाहिए, डेटा बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो, अभी तो फ़ोन है, फ़ोन से भी प्रॉपर्ली चल जाएगा, मोबाइल फ़ोन से, लेकिन लैपटॉप बेस्ट है या टैबलेट होना चाहिए, वो बेस्ट है। फ़ोन में भी आपको ये वेबसाइट है, इस पर यहाँ पर रिक्वेस्ट टू डेस्कटॉप साइट कर लेना है, वहाँ पे ऑप्शन आता है ना डेस्कटॉप साइट का, उसे कर लेना है, आराम से देना है। 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। पेपर थोड़ा सा इस बार का टफ बनाया गया है, टफ का मतलब ये है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे वैरायटी के मिलेंगे आपको। ज्योग्राफी का पूरा टेस्ट है आपका, तो बहुत वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको खुद पता चलेगा। तो ये पैनल आपका ओपन हो रहा है, ठीक है। इस पैनल पे ये आपका यहाँ पे टेस्ट वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे सब्सक्राइब्ड में जाएंगे तो सब्सक्राइब्ड में आपको दिख रहा होगा कि टेस्ट पैनल में कुछ है। जो लोग नहीं जुड़ पाए हों तो वो लोग टेस्ट नहीं देंगे, जो जुड़ गए हैं उस दिन मंडे को उनको चाहिए था कि 7 दिनों में अपने आप को यहाँ पे वो करवा लेते, अभी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। जिनके सब्सक्राइब्ड आ रहा है, सब्सक्राइब्ड में एक आ रहा होगा आपका, ठीक है, ऑफलाइन करके आ रहा होगा, उसके अंदर जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट उसको पब्लिक करने जा रहा हूँ और उसको अभी कोई शुरू नहीं करेगा। शुरू भी करेगा तो 2 घंटे का ही टाइम मिलेगा, वैसे भी उसका टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वो शुरू ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। 2 घंटे का ही टाइम मिलना है सबको प्रॉपरली, एक बार बैग गए तो रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि अभी कोई शुरू ना करे। तो ये ऑफलाइन पैनल है, यहाँ पर देखिए ये आपका है ऑफलाइन बैच प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पे आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ से ये फोल्डर है और इस फोल्डर पे आपको टेस्ट पेपर, अभी आप लोग नहीं जाएंगे, टेस्ट पेपर आ चुका है, जहाँ तक अभी उस पर कोई ओपन ना करे, नहीं कि अपना नुकसान कर बैठोगे। जब मैं यहाँ से फिनिश करके जाऊँ फिर उसको ओपन करिएगा। कैसे कैसे करना है मैं आज एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। प्रॉब्लम आपको, आप लोग करंट से नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, अपना डेटा इसीलिए है, इसमें ज़्यादा लोग चलाएंगे एक साथ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है अपलोडिंग भी लगी हो, इस कारण से दिक्कत है। एक मिनट मैं उसे रुकवाता हूँ, एक मिनट। अब ज़्यादा लोगों में दिक्कत हो उसमें, क्योंकि अपलोडिंग भी लगी होती है, ऑनलाइन वाले भी का काम चल रहा होता है ना, तो हो सकता है फिर आप लोगों के लिए अलग सा लगवाना ही पड़े यहाँ पे। ये आ गया ज्योग्राफी टेस्ट आज आपका जो होना है, ये इसमें 120 मिनट मिलेंगे आपको, 200 मार्क्स का होगा, आप लोग कुछ नहीं करेंगे। वैसे ये जो है टेस्ट मैं दे चुका हूँ, मैंने देखा था पूरा तो इसलिए मैं दे नहीं सकता। तो इसमें क्या करना है प्रॉपर्ली, यहाँ पे आपका शायद स्टेटस क्या आ रहा है किसी का, स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है ना, बस वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आपको सारा कुछ मिलेगा कंप्लीट। एक मिनट मैं एक दूसरा टेस्ट कोशिश करता हूँ जो मैंने नहीं दिया हो, उससे मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको अभी कोई ओपन नहीं करेगा, मैं डेमो दिखाने के लिए कुछ देख लेता हूँ। नेट की प्रॉब्लम आ रही है क्या, सही चल रहा है? नहीं नहीं, स्टार्ट मत करिए, रुक जाइए, थोड़ा सा स्टार्ट करना ही है फिर वो, ये नहीं है कि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, टाइम तो सबको बराबर ही मिलना है। तकनीकी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, जितनी अपलोडिंग चल रही हो ना और जितनी डाउनलोडिंग चल रही हो सब बंद करा दीजिए, ताकि नेट की प्रॉब्लम सॉल्व।
यहाँ तक तो पहुँच गए ना आप लोग सब लोग? हाँ, मैं बस थोड़ा सा इसके आगे का एक बार कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा नेट स्लो हो चुका है, इस पर नहीं चल रहा ज़्यादा अच्छे से। मैं आज समझा रहा हूँ, अगली बार से सिर्फ आपको बस यहाँ पे टाइम से बैठ जाना है। 1 बजे मंडे को आपका टेस्ट चालू होगा, ये ध्यान दिमाग में बैठ लो। 12 बजे तक क्लास ख़त्म, 1 घंटे आराम करो, 1 बजे टेस्ट चालू होगा। 2 घंटे 3 घंटे बाद वो ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाएगा। इसलिए जो यहाँ पे रहेंगे उन्हीं को मिलेगा टेस्ट, बाहर वालों को नहीं मिल पाएगा। मैं एक मिनट आपको एक हाँ, तो यहाँ पे जो है ये मैं ऐसे ही स्टार्ट का ऑप्शन आएगा जो आपका टेस्ट होगा। स्टार्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, आवश्यक निर्देश आएंगे। ये निर्देश हैं कि इसमें 150 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न हिंदी में है, 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 सुनना है आपको और 1 से अधिक उत्तर आप नहीं चुनेंगे। सभी के प्रश्नों के अंक समान है, यानी कि 2 नंबर का नहीं 1.33 का है, 200 में पड़ रहा है। गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा, यानी माइनस मार्किंग है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ तक आ जाइए आप, इसको ये पेज खोल, स्टार्ट नाउ ओपन कर लीजिए अपना, ठीक है? बस इतने तक ही रहिएगा, इसके आगे फिर मैं जब बताऊँगा। तो ये सब अच्छे से पढ़ना होता है, जब भी कभी आप जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल पे ये ज़रूर पढ़ना होता है, ताकि एक बार पता चले कि कुछ चीज़ें बदली तो नहीं है, कुछ अपडेट तो नहीं हुआ, तो ये एक बार इसे टाइम मिलता है इतना, ठीक है? टाइम इसके बाद यहाँ पे देखिए एग्री का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे ये जो आपने पढ़ा है इसको एग्री करना पड़ेगा। तो नीचे आपको टिक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक का एक छोटी सी बटन होगी, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है? उसको क्लिक करने के बाद, अभी आप मत करिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्टार्ट नाउ पे जाएंगे, आपका प्रश्न पत्र ओपन होके आ जाएगा, पेपर खुल जाएगा, ठीक है? प्रश्न पत्र खुल जाएगा, आप लोग रुक जाइए। ये आपका, ये देखिए पूरा सिस्टम है जो आपका डेवलप किया गया है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे आपका टाइमर चालू हो गया, 2 घंटे में ही ये सबके साथ समानता बरतेगा, इसलिए बैक अब नहीं जाना। अब यदि ओपन हो गया तो यदि बैक जाओगे तो रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक शहरों में अवसंरचनात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कालक्रमिक से इसको सजाना है कि पहले क्या क्या हुआ। बम्बई से थाणीगिरी रेलवे पहले बनी कि जमशेद टाटा आयरन स्टील, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है पूरा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया, देखो ऑप्शन समझो, हो सकता है मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूँ, है ना? मुझे पता है कि इसका आंसर 1 सही होगा, 2 सही होगा, 3 सही होगा, तो मैं इसको हो सकता है अटैम्प्ट करूँ। अटेम्प्ट करके दूसरा ऑप्शन आता है सेव एंड नेक्स्ट का, आप सेव करिए, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए, ये ऑप्शन आता है। या फिर मैं इसको मार्क एंड रिव्यू में रख दूं कि मैं इसे बाद में देखूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्क एंड रिव्यू का। मैं चाहूँ तो यहाँ से 53 में भी जा सकता हूँ, 53 नंबर क्वेश्चन मुझे देखना हो, जैसे एक देखा, एक के बाद मुझे लगता है कि चलो ये कठिन है, थोड़ा लेवल चेंज करते, तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट 53 पे भी आ गया। देखिए मैंने 53 क्लिक किया, रेड कलर का इस पर बटन आ गया होगा, 53, ये रेड का मतलब है अभी आपने अटैम्प्ट नहीं किया इसको, ठीक है? अटैम्प्ट जब आप कर देंगे, मान लीजिए चलिए मैं पहले क्वेश्चन को ही एक बार अटैम्प्ट करके आगे बढ़ता हूँ, इसका कलर चेंज होता रहेगा, ये लैपटॉप में बहुत अच्छे से आएगा क्योंकि ये वेबसाइट में है। ऐप जब आ जाएगा देखो ग्रीन हो गया, जो आपने अटैम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन वो ग्रीन हो जाएंगे, जो अटैम्प्ट नहीं है वो रेड कलर में है, ठीक है? मान लीजिए मैं इसको मार्क एंड रिव्यू में छोड़ता हूँ कि मुझे इसको बाद में देखना है, तो मार्क एंड रिव्यू कर देंगे तो ये क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन है और साथ में रेड भी है, कि यानी कि अभी इसको आप दोबारा, ये इस पर यदि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो माइनस मार्किंग भी नहीं लगेगा, ठीक है? अटेम्प्ट कर चुके हैं तो यदि गलत होगा तो माइनस मार्किंग, सही के लिए सही उत्तर। तो ये पूरा सिस्टम है, इसको पूरा आपको बस एक एक करके क्वेश्चन देखना है, या तो मार्क एंड रिव्यू करेंगे या तो सेव एंड नेक्स्ट में जाएंगे, अटेम्प्ट करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो पूरा ये सिस्टम में वैसे डेवलप करवाया गया है, इसको बिल्कुल प्रॉपरली आप करते चले जाना जब तक 150 या टाइमर चलता है। टाइमर जैसे ही खत्म होगा आपका क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाएगा, ठीक है? टाइमर खत्म होते ही क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जब आप पूरा प्रश्न पत्र कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट करने के बाद जो है कुछ नहीं करना इसको प्रॉपरली। लास्ट में यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है सबमिट टेस्ट का,
ठीक है, ऊपर आपका ऑप्शन है। किसी का जल्दी हो जाता है 2 घंटे से पहले, 2 घंटे में तो ऑटोमेटिक सबमिट कर लेगा, यदि नहीं होता तो आप 2 घंटे से पहले में इसको जा सकते हैं सबमिट टेस्ट में। ठीक है, एक बार पूछेगा आपसे कि आप क्या करना चाहते हैं, यदि आप इसको ओके करते हैं तो आपका रिपोर्ट कार्ड खुल के आ जाएगा। चूँकि अभी मैंने तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन भी नहीं किए, तो देखते हैं क्या निकल के आता है, जो भी आएगा उस पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इस पर कुछ काम अभी होना बाकी है, जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आई। 150 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने सिर्फ 3 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, जिनमें से नॉट कितने नहीं किए, 147 मैंने नहीं किए, ड्यूरेशन इतना था, टाइम मैंने कितना लिया, 1 मिनट 7 सेकेंड लिया, ये टाइम आ गया। अब इसका आप एनालिसिस देख सकते हैं, व्यू एनालिसिस का ऑप्शन है, इस पर जा सकते हैं। अब ये ज़्यादा आपको अच्छे से बताएगा, यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, किस क्वेश्चन में इतने लेवल तक में भी इसमें वर्क किया गया है, जो कि अभी हो जाएगा, अभी ये एनालिसिस आ गया, ये आ गया। देखिए टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे जितने लोग इस पे देंगे, अब कितने लोग देते हैं ये इस पे आ जाएंगे, जैसे कि अभी इस टाइम पे 3 लोगों ने, आप लोगों में कुछ लोगों ने हाथ साफ कर दिया। इसके बाद टोटल मार्क्स कितने का है, टोटल टाइम कितने का है, टोटल क्वेश्चन कितने का है, करेक्ट क्या है, आपकी रैंक क्या है, रॉन्ग कितने हो गए आपके क्वेश्चन, आपके छूट कितने गए, परसेंटाइल आपका क्या बना, कितना परसेंट आपका टोटल में आया, ये सब कुछ है इसमें। टाइम टेकन कितना, अब इसमें आप ऊपर और देख सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन के बाद आंसर भी यहाँ पर आपको सारा कंप्लीट आ जाएगा, क्वेश्चन और आंसर उसका आ जाएगा, ठीक है। फिर टाइम टेकन का ऑप्शन है, डिफ़िकल्टी लेवल कि कहाँ पे कितना टाइम लग गया आपको, डिफ़िकल्टी लेवल आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं, जो भी आपका टॉपर है उसके साथ आपका कंपेयर होगा, पहली रैंक होगा या आपकी रैंक होगी। इसके बाद आपका ग्राफ एनालिसिस है, और सॉल्यूशंस अभी नहीं है इसमें, सॉल्यूशंस हम आने वाले समय में प्लानिंग है कि वीडियो सॉल्यूशंस और साथ में उसका PDF सॉल्यूशन। इसमें एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट पेपर का भी है, इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा फॉन्ट गड़बड़ है, हिंदी का फॉन्ट सही नहीं लग पाया है, शायद कुर्ती देव या मंगल फॉन्ट कुछ ऐसे लगा हुआ है, जबकि ये टाइप किया गया गूगल इनपुट में, तो इस कारण से का अभी आप चाहें तो प्रश्न पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं फॉन्ट सही करा दूंगा। पेपर भी डाउनलोड का ऑप्शन है, पूरा आपका एक अच्छे से पूरा का पूरा पेपर भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन आंसर भी है, ये आपका ये क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे ना लास्ट में कि क्वेश्चन है आपने क्या आंसर दिया और आपका क्यों क्वेश्चन कट गया, ये भी देखिए लास्ट में एनालिसिस पे आ रहा है, ये भी इनफ है। आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के बाद आंसर, यहां से क्वेश्चन क्लिक कर देंगे तो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक। ये आपको बहुत इजीली से पूरा का पूरा ये देखिए डाउनलोड हो करके, अभी थोड़ा सा इसमें फॉन्ट का प्रॉब्लम है तो सही से हिंदी आ नहीं रहा, मैं इस सप्ताह इसको ज़रूर सही करा दूंगा, थोड़ा सा टाइम, एक्चुअली मैं पब्लिकेशन में काम चल रहा है, पब्लिकेशन का पूरा पैनल आपका बन गया है, मैं कल शायद हो सकता है आप लोगों के सामने उसको रखूँ भी, वो हमने अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तर्ज पर बनाया है, बहुत अच्छा पैनल है, वो जैसे ही आ जाता है फिर बताते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र भी आप लेके जाओगे, यहाँ से डाउनलोड कर लोगे आराम से, इस पे भी काम हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर टेस्ट पेपर है, कोई किसी को डाउट हो अभी पूछ लो मुझसे। लॉग इन सबका है, हा? ये आपकी देखो, अब ये आप लोग बताइए, इतने केयरलेस पर्सन है अनिल जी, अब आप जा सकते हैं और आज भी आप जा सकते हैं। नहीं पता था तो कहाँ रह रहे थे, पिछले मंडे में थे नहीं थे, अभी दीपक जी से मिलिए तुरंत तत्काल प्रभाव से। कौन कौन किसका किसका नहीं जोड़ा, आप भी जाइए इस मंडे, अब टाइम वेस्ट मत करिए उन लोगों का जिन लोगों को टेस्ट देना है, अब आप लोग आज जुड़वाइए, जुड़ने के बाद फिर इसके बाद अगले आइए, बताइए ये हाल है। ये तो बहुत पूछना चाहिए, किसी से पूछ लेते सब कुछ, जब टेस्ट है तो कोई ना कहीं पे तो जोड़ना पड़ेगा ना आपको, ऐसे थोड़ा ना होता। सब्सक्राइब्ड में 0 आ रहा है तो नहीं जुड़े फिर आप, फिर क्या दिमाग लगा रहे हैं उस पर, सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी। हाँ सिर्फ टेस्ट पेपर वाले दिन आएंगे तो कहीं से नहीं जुड़ेंगे, ये भी दिमाग में बैठाइए। चलिए फिर शुरू करते हैं, ये वाला पेपर मैं हटा दूंगा और आप बस आपका काम है कि इस पर ठीक शुरू करिए, टाइम स्टार्ट है, जिनको जाना है अभी चले जाए यहाँ से, नहीं हो पाएगा देखिए आज का फिर नहीं हो पाएगा, जो लोग नहीं जुड़े अगले मंडे को मेंस का टेस्ट पेपर है और ये वाला आपका प्रीलिम्स का टेस्ट है, तो इसको प्रीलिम्स का देने दीजिए, जो नहीं जुड़े बिल्कुल जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग जुड़ जाएँ तब फिर हो क्या फ़ायदा बताओ, आई एम टाइम पे बाकी पूरा इंटरवल गुजार दिया,
उसी पे आते हैं कि कम से कम मैं नहीं जुड़ा, कुछ नहीं जुड़ा। अभी जुड़वाइए, दीपक जी आपको मिलेंगे, बाहर बैठिए, मीटिंग पे बैठिए, आप लोग जितने भी हैं सब मीटिंग पे बैठिए, मैं आप लोगों को जुड़वाता हूँ। बाकी जितने लोग जुड़े हैं, टेस्ट पेपर जिसको मिल गया है वो चालू करें। ठीक है, टेस्ट पेपर अब मैं, अब देखो एक बार निकल जाए फिर इसको लॉक कराता हूँ मैं। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, पहली शर्त, चुपचाप अपना अपना करना है, ना किसी से पूछना, किसी को बताना। कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि उसमें लैंग्वेज मिरर है, कुछ भी है, तो कॉमन सेंस का यूज करना है, क्योंकि मैं रिव्यू पूरा नहीं कर पाया। लेकिन यदि मतलब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें लिख लेना, मुझे क्वेश्चन नंबर लिख के, जैसे पिछली बार 108 कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चन गड़बड़ थे, तो वो होता है, कॉमन मिस्टेक हो जाती है, प्रिंटिंग एरर कुछ भी आ जाता है, टाइपिंग में दिक्कत आ जाती है, तो वो आपको समझना है। बाकी करिए, कॉमन मिस्टेक करके शुरू करिए। स्टार्ट पेपर 1:25 हो रहा है, 2 घंटे बाद ऑटोमेटिक आपका पेपर सबमिट हो जाएगा या टाइम बंद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो।